हैप्पी प्रियंकित डे जी हाँ आज है संडे और आज है प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता का दिन जी हाँ और देखिए जब प्रियंकित डे हो जब संडे हो और ऊपर से आपको प्रियंका और अंकित की बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत तस्वीरें साथ साथ नज़र आ जाएं देखने को मिल जाए तो आई थिंक उससे शानदार संडे या फिर उससे शानदार प्रियंकित डे आपके लिए नहीं हो सकता मतलब एक प्रियंका अंकित का ये जो पिक्चर हैं ये

तस्वीरें हैं ये सिर्फ तस्वीरें या पिक्चर्स नहीं है ये फैंस के लिए तो इनके देखिए वरदान है फैंस के लिए एक बून है फॉर श्योर sure, क्योंकि प्रियंका और अंकित को जब साथ में लोग देखते हैं ना तो मतलब उनके जो फैंस हैं वो मतलब उनके लिए और ज़्यादा उससे वैल्यूएबल कोई चीज़ है नहीं ऐसी ही बहुत खूबसूरत तस्वीरें वायरल हो रही हैं आज सुबह से इनफैक्ट कल रात से ही क्योंकि लास्ट नाइट की तस्वीरें हैं जहां प्रियंका और अंकित अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करते हुए नजर आ रहे हैं देखिए फ़न करते हुए नजर आ रहे हैं वाइट कलर के ड्रेस में प्रियंका चाहार चौधरी बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं और अंकित गुप्ता ने उन्हें ट्विनिंग करते हुए उनके साथ भी वाइट शर्ट पहनी हुई है डैम शर्ट मतलब कि दोनों की ये जो तस्वीरें हैं ये फैंस बहुत बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं प्रियंकित डे वैसे ही है आज और देखिए आज ट्रेंड होने का दिन था प्रियंकित का प्रियंका का और अंकित का और वो बिल्कुल हो रहे हैं लास्ट नाइट जो इन लोगों ने मिलकर पार्टी की है डिनर किया है बेसिकली उसकी भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब बहुत तेज़ी से वायरल हैं प्रियंका और अंकित अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हैं और ये कुछ हैंग आउट की ही तस्वीरें हैं उनके फ्रेंड्स के साथ राजीव अदातिया ने ऑफकोर्स ये पिक्चर्स डाली हैं तो अब प्रियंकित के फैंस राजीव का भी धन्यवाद कह रहे हैं थैंक यू कह रहे हैं कि भाई उन्होंने एटलीस्ट ये पिक्चर्स डाली और उन्हें प्रियंका और अंकित एक बार फिर से साथ साथ देखने को मिले आपको बता दूँ दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं दोनों की केमिस्ट्री के जो जलवे हैं जो चर्चे हैं वो हर जगह होते हैं मतलब प्रियंका और अंकित साथ में बहुत अच्छे लगते हैं फैंस को और देखिए प्रियंका और अंकित के बारे में यही खासियत है मतलब वो साथ में जितने कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ हैं उनको देख भी आपको वो कम्फ़र्ट महसूस होता है इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय कॉमेंट सेक्शन में बताइए